नमस्कार दोस्तों, आज 10 मार्च हो चुकी है लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड आपको नहीं मिला होगा। और कई लोगों ने कमेंट भी किया कि अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, हमसे खुल ही नहीं रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, FTA ने इस पे एक सूचना जारी की है, तो वो उसकी वेबसाइट पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या सूचना है। ये चलते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेना, आप खुद भी देख सकते हो। FTA की वेबसाइट पर जब आप जाते हो ना यहाँ से, तो डाउनलोड करने की प्रोसेस भी यही रहेगी जैसे मैं अभी यहाँ पर जा रहा हूँ ना। यहाँ सीधे भी जा सकते हैं। ये 2022-23 के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये घोषणा अभी इन्फॉर्मेशन ये अभी शो हो रही है यहाँ पे आज से ही। लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 मार्च 2023 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। तो एक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी, तो इसीलिए एक दिन का डिले है और कल 11 मार्च तक हो जाएगा यहाँ पर। और डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है वो यहाँ से आपको इधर ये जो नीचे है ना, नीचे में आएंगे यहाँ पर, यहाँ से आप क्लिक करके लिंक पे जा सकते हो। बाकी अभी तो वो ओपन नहीं हो रहा है, अभी ओपन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर लिखाई दे रहा है, प्रवेश पत्र के लिए, एडमिट कार्ड के लिए JET आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड, ये वेबसाइट लिंक, ये 11 मार्च 2023 1400 घंटे से उपलब्ध होंगे। एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से JET 2022-23 वेबसाइट देखें। तो ये तो क्लियर है, आप सभी को पता ही होगा। बाकी एडमिट कार्ड जब भी यहाँ पर आएगा ना, तो मेल भी आपको आएगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। मेल करते हैं FTA वाले, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है ना उनको मेल भी आ जाएगा। तो मेल के थ्रू भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा फिर यहाँ से भी आप ये वेबसाइट पे भी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अभी आकर के डाउनलोड कर लेना, लेकिन 11 मार्च के बाद ही करना। कल है 11 मार्च, तो 11 मार्च हो सकता है शाम तक थोड़ा वेट करना पड़े, टेक्निकल प्रॉब्लम, वेबसाइट ऐसे ही है, गवर्नमेंट का काम तो अब। लेकिन जैसे तैसे 12 मार्च तक तो आ ही जाएगा। ये यहाँ लिखा है ना 1400 घंटे, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, 1400 घंटे तो नहीं लगेंगे लेकिन 12 मार्च तक तो कैसे भी एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, 12-13 मार्च तक। बाकी 11 मार्च का बोल रहे हैं तो कर देंगे, अब टेक्निकल प्रॉब्लम है तो 24 घंटे में सॉल्व हो जाएगी शायद, नहीं तो कोई और सूचना फिर जारी करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।